में तो गुड इवनिंग, और देवी एक राजस्थानी फिल्म है जो एक माँ की प्रतिमा को दिखाती है। ये माइथोलॉजिकल फिल्म नहीं है, लेकिन एक औरत जब माँ बन जाती है तो अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है, ये फिल्म की कहानी है। और बाकी जो 3 फिल्मों का मुहूर्त आपने किया उसके बारे में बताइए, वो भी राजस्थानी फिल्म है जी। जब हम देवी माँ कंप्लीट करके आए उसके बाद में हमारी प्रोड्यूसर अनीता जी ने एक अहम कदम उठाया कि राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री जो इतने सालों से नहीं चल रही है उसके लिए एक नया मोड़ लाने के लिए 3-3 फिल्में हम साथ में शुरू कर रहे हैं। और तीनों फिल्मों की स्टोरी एकदम अलग है। एक हम करें राजा राजस्थानी, जो एक खेल पे है सब्जेक्ट, जो पहली बार राजस्थान में आएगा। दूसरी हम कर रहे हैं छोरी थारी लव स्टोरी, जो एक अगेन एक लव स्टोरी पे बेस, एक लड़की जीवन की कहानी है। और तीसरी फिल्म कर रहे हैं मन्ने सुहागन बना दे, उसका सब्जेक्ट ये कि क्यों हर बार एक औरत सुहागन की मौत क्यों मरना चाहती है, क्यों वो चाहती कि मैं सुहागन मरूँ, क्यों एक आदमी नहीं चाहता। इसके बाद नहीं, एक तो खेल पे हमारी फिल्म राजा राजस्थानी, और बाकी जो दूसरी महिला प्रधान है, एक महिला प्रधान है, एक लव स्टोरी है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट है। ये फिल्म होगी जुलाई में रिलीज़ होगी इस फिल्म को, और इसकी कहानी एक बड़ी हटके हमने बनाई है फिल्म की। एक औरत के जीवन में क्या क्या होता है ना, जब माँ बन जाती है, एक लड़की होती है उसको पता नहीं होता है कि उसको क्या है, बट जब वो माँ बन जाती है तो कितनी सारी संघर्षों के साथ में अपना जीवन को बिताती। माँ जब शब्द एक ऐसा आ जाता है तो माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है, फिल्म की कहानी, वो भी बिना शादी किए बिना वो सब किए एक माँ बनना, ये फिल्म की कहानी। और हमारे अभिनेत्री अमरीन खान जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया इस फिल्म में, और लाजवाब, और दूसरी भी लड़की रेशमा बारी, इमरान खान जो वहाँ के हीरो है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जब हम शूटिंग कर रहे थे इसी दौरान लोगों ने बताया कि फिल्म बहुत अच्छी चली है, अच्छी बनी है, अब देखिए क्या होता है। तो राजस्थानी नहीं, नहीं ऐसा नहीं था। एक्चुअली क्या था कि मैंने काफ़ी सारी राजस्थानी फिल्में की है, बीइंग एज अ कोरियोग्राफर बहुत सारी फिल्में की, मैंने लगातार 8-9 साल अवार्ड भी जीते हैं। तो जब राजस्थान में मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर अच्छी फिल्में बनती नहीं है, यू नो, और बनती भी है तो उनकी मेकिंग पोर होती है, स्टोरी पोर होती है। तो मैंने इस बार ये सब चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की है, कॉस्ट्यूम, स्टोरी और म्यूज़िक, जो एक अहम पार्ट फिल्म का निभाता है, जो हमारे अली गनी साहब ने दिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया है, और गाना सुनने में भी लोगों को बहुत मज़ा आया। और हो सकता है कि इस बार हम लोग एक राजस्थान को एक नया चीज़ देंगे, ये उम्मीद है। फिल्म के निर्माता इसमें दो हैं, एक महफूज कोहरी साहब हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और एक हमारी अनिता पेसवानी। जब इन्होंने स्टोरी सुनी तो इन लोगों को लगा कि नहीं, वाकई में स्टोरी में कुछ दम है, अलग हटके इन्होंने तुरंत उस फिल्म को बनाने का वो कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। और बाकी 3 फिल्मों का तो मुझे पता नहीं, वो डायरेक्टर अनाउंस करेंगे, लेकिन देवी ये जो फिल्म है, जैसे निक्की सर ने बताया है, ये एक वुमन सेंट्रिक फिल्म है बेसिकली। देवी एक माँ, और ये माइथोलॉजिकल फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। ये एक परसेप्शन एक्चुअली कि लोग सोचते हैं माइथोलॉजिकल, लेकिन ये एक वुमन के ऊपर है जो उसका एक स्टेज होता है, मतलब जैसे वो किस दौर से गुजरती है, मतलब उसके जो संघर्ष है, उसके सैक्रिफाइसेस है, जो एक आम लेडी भी, हर लेडी इनफैक्ट अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करती है, तो उसे दर्शाया गया है इस फिल्म में। मैंने बहुत कुछ सीखा है, इनफैक्ट निक्की सर ने, अनीता जी ने, महफूज सर ने मुझे ब्रेक दिया है इस फिल्म में। और राजस्थानी फिल्म जो है मैं हमेशा से करना चाहती थी, बिकॉज ये एक डिफरेंट राजस्थान का डिफरेंट टेस्ट एंड डिफरेंट फ्लेवर वाला फिल्म है। सो मैंने हिंदी फिल्म्स किया है, एंड मैं प्रिंट एंड गारमेंट साइड से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, एंड मैं आगे भी राजस्थानी फिल्मों में ही इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जोनर है, लाइक इनके जोनर्स बहुत अच्छे होते हैं। इन तीनों फिल्मों में से किसी का हिस्सा बनने का मौका मिला तो बनना चाहूँगी? बिल्कुल बनना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। मेरा ये कहना है कि ये सारी जो मूवीज़ हैं, जैसे कि निकी जी ने कहा, राजस्थान में जो मूवी की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। एक अच्छी क्वालिटी की मूवीज़ हमने अभी तक ज़्यादा नहीं देखी है, बहुत कम है।
तो निकी जी के साथ मिलकर हम अच्छी क्वालिटी की मूवीज़ राजस्थान में बनाना चाहते हैं, राजस्थान को एक अच्छी सिनेमा देना चाहते हैं और अच्छी स्टोरीज देना चाहते हैं। आज का मुहूर्त बहुत शुभ है, बहुत अच्छा दिन है, तो आज के दिन पे हमने सोचा कि हम राजस्थान के लिए और कुछ करें। देवी एक माँ दो एक बहुत बढ़िया मूवी हमने बनाई है, जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी राजस्थानी मूवी से ये कितनी अलग है और इसमें कितने अलग कलर्स और फ्लेवर्स हैं जो कि और मूवीज़ में नहीं है, और सेम थिंग हम लाना चाहते हैं और मूवीज़ में। इसके साथ हमें साथ दिया है निकी जी ने, हमें अली गनी साहब ने बहुत साथ दिया है, उन्होंने बहुत बढ़िया म्यूज़िक दिया है जो हम कहेंगे कि बॉलीवुड के एट पार है, उससे आगे भी बोल सकते हैं। इतना बढ़िया, इतना सुंदर म्यूज़िक उन्होंने हमको दिया है, तो हम सबसे ये निवेदन करेंगे कि एक बार ज़रूर मूवी को देखें। बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे अभी लोगों के बीच में लाने के, प्रमोशन प्लान्स हैं, वो अभी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, सब ऑन पेपर है, तो वो थोड़े टाइम में हम पब्लिक करेंगे कि किस तरह से प्रमोट करना है। और ये जो मूवीज़ है करीब करीब जैसे ही देवी एक माँ रिलीज़ होगी उसी दौरान हम इनको शूट करने का एक एक करके स्टार्ट करने की प्लान कर रहे हैं। स्टार कास्ट अभी हमारी ऑन पेपर हुई है, बट हम अभी उसको पब्लिक करना नहीं चाहते हैं, कुछ टाइम के बाद हम उसको पब्लिक करेंगे कि इसका स्टार कास्ट कौन है। हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो हमारे डायरेक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने बड़ा हमें मौका दिया है अच्छा काम करने का। और मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थानी फिल्मों में हमने बहुत कम काम किया है, हमने बॉलीवुड में बहुत फिल्में की हैं और बहुत एल्बम्स किए हैं, कोई भी सिंगर नहीं है जिसके साथ हमने काम नहीं किया था, इसलिए ठीक है। अब ये जो देवी एक माँ है, इस फिल्म का म्यूज़िक, देखिए इंसान हर बार चाहता है कि अच्छा काम करे, पर काम कभी कभी कुदरत की तरफ से अच्छा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फिल्म जो है, हमारी फिल्म जो है देवी एक माँ, इसका म्यूज़िक हमें इतना कॉन्फिडेंस, इतना यकीन है, विश्वास है कि बहुत म्यूज़िक चलेगा और बहुत पसंद आएगा। म्यूज़िक मेरे ख्याल से आज तक हिंदी फिल्मों में ऐसा म्यूज़िक नहीं हुआ, और ये पब्लिक सुनेगी म्यूज़िक तो उनको भी अच्छा लगेगा, ये पूरा विश्वास है। और ये जो तीन फिल्म और ये जो लॉन्च कर रही हैं, उसमें भी हम आज तीन गाने जो है तीनों फिल्मों के कई गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग आज, ठीक है। हर गाना सिचुएशन पर है, ऐसे गाने नहीं हैं जो किसी भी तरह से आप गाने फिल्म में ऐसी लगा रहे हैं आप, ऐसा नहीं है, हर एक सिचुएशन के हिसाब से सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया है। सबसे पहले गुड इवनिंग, नमस्कार। देवी एक माँ जो मूवी है ये काफ़ी चर्चित मूवी है और काफ़ी बढ़िया है। ये जो स्टोरी जो है राजस्थान में काफ़ी सालों के बाद वहाँ के दर्शकों को देखने को मिलेगा। निक्की बत्रा जी हमारे पास लेके आए थे जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करके जो स्टोरी है एक माँ के ऊपर है, एक लेडी के ऊपर है। तो मैं चाहूँगा कि एक्चुअली मेरे से पहले इन्होंने सबने अपना अपना परिचय भी दिया है और अपने मूवी के बारे में बताया है, तो उससे ज़्यादा अभी मैं और क्या बता सकता हूँ। बस हम यही चाहेंगे कि दर्शक एक बार आएँ और देखें कि सभी कलाकारों ने बड़े दिल से इसमें काम किया है, और गाने जो हैं काफ़ी लोकप्रिय होने वाले हैं, क्योंकि गाने अभी से जिन्होंने सुने हैं और शूटिंग के दौरान उन्होंने काफ़ी इस गानों को भी सुसा किया है। और जो जो हमारी जो प्रेरणा है, जो हमारी जो हीरोइन है, डायरेक्टर है, इनके भी काफ़ी चर्चित नाम है वहाँ पे, हम चाहेंगे। मेरा एक किरदार है जो कि मैं एक ठाकुर हूँ एक परिवार का और एक गांव का, बस इससे आगे मैं क्या बताऊँ, बाकी आप पिक्चर आके देखेंगे। बस हम मैं चाहूँगा कि आप आइए। मेरा नाम शाहजी चौधरी है और मुझे पता है आज तीन फिल्मों का मुहूर्त है, एक इन्होंने फिल्म कंप्लीट भी कर दी देवी एक माँ, और जिस तरह से इन्होंने बोला है कि एक फिल्म का मैं भी हिस्सा हूँ तो बड़ी खुशी है ये सुन करके। मैं बेसिकली राजस्थान का रहने वाला हूँ, जयपुर से हूँ, तो बड़ी खुशी होती है कि कोई अपनी लैंग्वेज पे कोई फिल्म बना रहा है और मेरी लैंग्वेज को इतना कोई इज्जत तवज्जो दे रहा है। हर स्टेट की अपनी अपनी, जैसे महाराष्ट्र की मराठी और पंजाबी है, तमिल है, तेलुगू है, गुजराती है, सारी फिल्मों का बहुत अच्छा मार्केट है
तो मैं इस तरह से चाहता हूँ कि राजस्थान भी इस तरह से फिल्मों में आगे आया, एक्टिंग को लेकर के, फिल्मों को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे। बड़ा दुर्भाग्य कि कई 50-60% हिंदी फिल्मों में राजस्थान के फाइनेंसर प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन वो राजस्थानी फिल्मों को थोड़ा सा कम तवज्जो देते हैं। वो मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों, पता नहीं, अपनी लैंग्वेज के लिए वो इतने आगे नहीं आते हैं और हिंदी फिल्मों को फाइनेंस करते हैं। ये राजस्थान के नहीं होकर के भी उस लैंग्वेज के ऊपर फिल्म बना रहे हैं और उस कल्चर को दिखाना चाहते हैं, तो बड़ी खुशी होती है इन लोगों से, बहुत अंदर से कनेक्ट होता हूँ मैं। हमने अभी डायरेक्टर साहब से बात किया, उन्होंने कहा राजस्थानी स्पोर्ट्स की कहानी जो स्पोर्ट्स को लेकर है। मुझे अभी फिल्म की कहानी के बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इन्होंने यही बोला, ये प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने यही बोला कि एक राजस्थानी हम फिल्म बना रहे हैं, राजा राजस्थानी, तो उस फिल्म का आप हिस्सा रहेंगे। तो मैंने तो उससे ज़्यादा कुछ पूछना चाहा नहीं, क्योंकि मैं वहाँ का होने के नाते बहुत मुझे खुशी और गर्व महसूस करता हूँ मैं कि उस फिल्म का हिस्सा मैं किसी भी तरह से बनूँ। वो कोई भी स्टोरी हो, कैसी भी हो, जो भी रोल हो। मैं तो वैसे हिंदी फिल्मों में मैंने काफ़ी किया, अगर आपने जोधा अकबर देखे तो जोधा अकबर का विलन हो मेरी पिक का बड़ा भाई आदम खान, जोधा अकबर, मोहन जोदारो, काबिल, पी के तेवर, एक्शन जैक्शन, शूट आउट इट वडारा, मोहन जोदारो, आई हैव डन मैनी हिंदी मूवीज़। रिसेंटली मेरा वेब सीरीज़ था मिर्ज़ापुर, अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने मकबूल का रोल प्ले किया है। अभी रिसेंटली एक फिल्म चल रही है ब्लैंक, फिल्म के साथ ही उसमें मैंने बशीर करके कैरेक्टर किया है। दो मेरी आने वाली फिल्में हैं, उसमें एक प्रणाम है राजीव खंडेलवाल के साथ, एक मलाला यूसुफ जई एक पाकिस्तान की लड़की है उसकी बायोपिक बनी है, वो मैंने की है। और तमिल और तेलुगु भी मैं करता हूँ, तो अभी रिसेंटली एक तमिल फिल्म मैं करके आया जिन्होंने। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करने के बाद इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं? वो मैंने पहले ही आपको बताया ना कि मैं राजस्थान को होने के नाते मेरे को अपनी लैंग्वेज पे काम करने में और अपने स्टेट को दिखाने में, अपने कल्चर को दिखाने में मुझे गर्व महसूस होता है, तो मैं बिना पूछे हाँ कर देता हूँ। पहले एक और फिल्म राजस्थानी है ट्रक ड्राइवर, जो मुकेश टाक करके एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो बना रहे हैं, तो मैंने उनको भी हाँ किया हुआ कि मैं करूँगा। एक पहले मैंने राजस्थानी फिल्म की भी है चुनरी उड़ासी मारो वीर, वो भी मुकेश जी की थी, तो मुझे गर्व महसूस होता है कि अपनी लैंग्वेज की फिल्मों में काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम दीपक ठाकुर है। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे, देवी एक मार रिलीज के लिए तैयार है, क्या कुछ कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर, कुछ बताना चाहेंगे हमें? क्या रोल है आपका? चाइल्ड का, बच्चे का। फिल्म में काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, लोगों के साथ आपने काम किया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत। फिल्म की टीम को कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत मज़ा आया मेरी टीम के साथ काम करने में, दीवी एक माँ मूवी पे। प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ और मे भी अभी शूट की डेट नहीं आई है कि कब तक शुरू होगी, जैसी आएगी तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। हाँ, जहाँ तक मैं सभी को आदाब अर्ज कहूँगी और पहले रोजे पर सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ और निक्की जी को कॉन्ग्रेचुलेशन और जितने भी टीम है हमारी सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और निक्की जी का तो मैं शुक्रिया अदा अगर मैं कहने जाऊं तो बहुत छोटा सा होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे उनकी राजा राजस्थानी इस फिल्म में मुझे काम करने का मौका दिया, मैं बहुत खुश हूं। और रही बात देवी, जिस फिल्म को मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने जो थोड़ी मोड़ी जो स्टोरी सुनी है उससे मुझे लगता है कि वो सुपर डुपर हिट जाएगी, इंशाल्लाह हिट जाएगी, क्योंकि डायरेक्टर निक्की जी जहाँ है ना तो वहाँ तो बिल्कुल होनी ही है, सुपर डुपर तो होनी है। और हमारी जो नेक्स्ट तीन फिल्में जो आ रही हैं वो भी सुपर डुपर जाएगी, लोग एक बार नहीं 10 बार देखना पसंद करेंगे। दो
क्रॉस योर फिंगर्स। और मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि इनकी वजह से ही मैं निकी जी से मिली और मुझे इस मूवी में काम करने का मौका मिला। लेकिन ये इस काबिल है इसलिए मैंने इसको, मतलब ये मेरी बहन है इसलिए मैंने इसको इस फिल्म में, मतलब इस फिल्म के लिए मैंने बुलाया और निक्की जी को मैंने बोला कि ये क्या कहते हैं हीरोइन हीरो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कुछ तो कहते हैं यार हीरोइन ब्रांड तो इसलिए मुझे लगा कि मेरी बहन इस काबिल है तो हो सकता है और इसका सिलेक्शन हो गया और ये भी मेरे साथ ही काम कर रही है। और हमारे अली गनी सर को मैं अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहती हूँ क्योंकि इनसे जब मैं पहली मुलाकात की तभी मुझे समझ में आ गया था कि हमारी फिल्म के जिस तरीके से जिस इतने अच्छे इंसान है ना उनके गाने भी उतने ही अच्छे होंगे क्योंकि मुझे ऐसे लगा और ऐसा है भी। हाँ तो और रही बात निक्की जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और राइटर भी हैं वो, तो उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। आई एम सो लक्की, हम जितने लोग भी काम करें सभी हम लक्की हैं जी। थैंक यू सो मच। मैं कहना चाहूँगा मैं विकी हाडा और राजस्थानी फिल्में कर चुका हूँ, राजस्थान से हूँ, तो सबसे पहले मैं इस राजा राजस्थानी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। निक्की बत्रा जी ने जिस हिसाब से राजस्थान के कलरफुल चीज़ों के बारे में सोचा है और राजा हिंदुस्तान है, एक सिनेमा आया था ये राजस्थानी है, तो राजा राजस्थान में सबसे ज़्यादा रहते थे पहले, तो ये राजा रजवाड़ों की बात है और इसे जो लोग परखते हैं जो जानते हैं वही बोल सकते हैं उसके बारे में। और अली गनी जी बहुत, मतलब बहुत खूबसूरत ये अवॉर्डेड हैं हमारे राजस्थान से, वहाँ की एक बहुत मरुधरा जिसको बोलते हैं जो सुंदर जगह है वो है बीकानेर, वहाँ से। और म्यूज़िकली मैं उनके घर से भी सभी लोगों को जानता हूँ, तो म्यूज़िकली कमाल का इन्होंने मतलब क्या तड़का लगाया होगा एक्सेप्टेट नहीं कर सकते। और आप लोग सभी लोग इंतज़ार करो कि इस बार राजस्थानी सिनेमा बम्पर राजा हिंदुस्तानी। मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले कि यहाँ पर मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और देवी एक माह में मैंने बंजारन का एक आइटम सॉन्ग किया है जिसमें म्यूजिक डायरेक्शन हमारे अली गनी साहब का ही है और बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक दिया है कि अपने आप पैर थिरक रहे थे मेरे उस डांस में। और कहते ना कण कण में बसा राजस्थान, इनके कण कण में बसा हुआ है म्यूजिक और उस म्यूजिक पर और मेरे जो पैर थिरके हैं वो आप पर्दे पर जब देखेंगे तब पता चलेगा। और निक्की जी के बारे में मैं यही कहूँगी कि ही इज़ वेरी स्वीट पर्सन, उन्होंने मुझे एज एन डांसर बुलाया देवी एक माह में। लेकिन अब जो ये फिल्में रिलीज़ होने जा रही या बनने जा रही हैं, तीनों जिनकी फिल्में जो लॉन्च हुई है, ये तीनों फिल्में जो आप देख रहे हैं, इन तीनों फिल्मों में उन्होंने मुझे एज एन डांसर ना लेकर के इसमें रोल दिया है उन्होंने, और मैं उनकी बहुत आभारी हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि उनसे मैंने कहा था कि निक्की जी मैं सिर्फ डांसर ही नहीं हूँ, आई एम एन एक्टर ऑल्सो, तो मुझे उसमें रोल चाहिए। और उन्होंने वाकई में उस चीज़ को सुना और उस चीज़ के लिए मैं इनकी बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे इसमें काम दिया, उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। और ये फिल्म के लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी सारे आर्टिस्ट को और हम पूरी यूनिट मिलकर के बहुत 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 अच्छा काम करेंगे और आने वाले समय में बहुत अच्छा ही होने वाला है। थैंक यू। ये राजस्थानी एज ए लीड मेरी आठवीं फिल्म है और पहले भी काफ़ी फिल्में की, बट निक्की जी के साथ एज ए कोरियोग्राफर काम किया है, बट इसमें ये एज ए डायरेक्टर आ रहे हैं, तो एक बहुत अलग सब्जेक्ट है राजस्थान की जनता के लिए और कुछ नया है इसमें, तो बाकी रिलीज होगी तब देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। थैंक यू। हाँ तो अब हम लोग ये राजा राजस्थानी करने जाएंगे जिसके डायरेक्टर है निक्की, और निक्की और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और काफ़ी अच्छा हम लोग को काम करते हैं, जब वो डांसेस वगैरह फिल्म वगैरह जब मैं हिंदी किया था फिल्म का, तो मुझे मौका मिला है दोबारा उनके साथ काम करने का। और एज फार एज रोल इज़ कंसर्न, तो बहुत ही खूबसूरत, वन ऑफ द बेस्ट मदर रोल मंथन से अपने करियर में, मेरे 34 ईयर्स के करियर में ये मतलब पहली बार ऐसा है कि इतना खूबसूरत माँ का कैरेक्टर करने को मिला है। तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन लोगों के साथ ज्वाइन है, मैंने पहले राजस्थानी कभी की नहीं,
तो मेरे लिए एक वो नई बात भी है कि राजस्थानी फिल्म है, प्लस निकी को जानती हूँ और एक नई लैंग्वेज में करियर के 34वें साल में जाकर अगर कोई लैंग्वेज फिल्म करने को मिलती है तो मेरी खुशनसीबी है। सो आई एम प्रीटी हैप्पी एंड आई एम वेरी मच निकी पे मुझे बहुत भरोसा है कि वो बहुत अच्छी तरह से इसको दर्शाएंगे और हम लोगों से अच्छा काम निकलवाएंगे इंशाल्लाह। और जितनी जल्दी हो सके हम शूटिंग ख़त्म करेंगे और जल्द से जल्द उसको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। हमें आपकी सबकी सारी दुआएं चाहिए और आप लोगों के विशेष चाहिए। सो प्लीज़ प्रे फॉर अस, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम सुनील परियार है और मैं वैसे 20 साल से फोक डांस परफॉर्मेंस करता हूँ, राजस्थानी चेरी डांस, मटका डांस, भवाई नृत्य और लेफ्ट लेग में मुझे बचपन से ही पोलियो है एंड मैंने 2 रियलिटी शो विन किए हैं, जी के 2 सीरियल्स के, डीडी नेशनल के 3 सीरियल के और राजस्थानी 3-4 फिल्में की है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि निक्की बत्रा जी के डायरेक्शन में मैं पहली बार काम करने जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा काम करने की उम्मीद है। मैं बहुत अच्छा एक्ट उनकी डायरेक्शन में कर पाऊँ एंड इन फिल्मों के लिए मेरी सोच इतनी है कि जितनी भी अभी तक फिल्म बनी है मेरे 20 साल के करियर में, ये जो 3 फिल्में हैं ये रिकॉर्ड तोड़ बनेगी। सबकी कॉन्सेप्ट अलग अलग है, कास्टिंग एकदम फ्रेश है। अदरवाइज आप पुरानी फिल्में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कास्टिंग में कोई स्पेशली प्रोफेशनलिज्म नहीं किया हुआ है, बट ये फिल्मों में बहुत अच्छी कास्टिंग की हुई है, बहुत अच्छा किया। और निक्की जी ने 2 फिल्मों में मुझे एज एन डांसर और एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट भी काम दिया है एंड बाकायदा कैरेक्टर के लिए डिस्कस हुआ है एंड आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि मैं बहुत अच्छा काम कर पाऊँ। और इस 15 अगस्त को मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ वो रिकॉर्ड का फ़ायदा हमारे इन तीनों मूवीज़ को मिले। एंड जो देवी एक माँ फिल्म है इसमें मैं बाई लकीली काम नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल, तो दिल से मैं इस फिल्म को दुआ देता हूँ और जहाँ तक हो सके अगर राजस्थान में इसके प्रमोशन के लिए जहाँ मेरे स्टेज शोज होंगे, जहाँ पब्लिक आएगी, जहाँ मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट करूँगा, मैं इस फिल्म का देवी की कृपा मान के इसका प्रमोशन करूँगा। थैंक यू।